तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, बेसिक लेवल से अपर लेवल तक का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, याद रखना, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। टॉप 11 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहले तो होमोजेनिटी आपको सिखा दूंगा, उसके बाद टॉप 11 क्वेश्चन, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा, और इसके बाद कुछ बचना वचना नहीं है, श्योर शॉट है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये टॉपिक से जान लो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन निकाल को तैयार हो जाइए और मेरे साथ लग जाइए इस होमोजेनिटी के सफर में, और बहुत मजा आने वाला है। बहुत बिंदास टॉपिक है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक, चलो देखो। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये होमोजेनिटी होता है क्या है? तो कुछ बता सकते हैं होमोजेनिटी क्या होता है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ठीक है, बहुत बेसिक से बताऊंगा। सपोज करो आप 10 किलो फल अपने घर लेके जा रहे हो, मान लो एप्पल लेके जा रहे हो, बोलो सही है। हमने उसमें ये कहा 2 किलो संतरा भी लेते जाओ, ठीक, मम्मी खुश हो जाएंगी। कितना फल ले गए? 12 किलो, बोलो सही है कि नहीं। क्या दिखा? सर ये तो मांस था, बोलो सही है। सर ये भी क्या था? मांस था। सर ये भी क्या है? मांस है। तो मांस में मांस जुड़ा तो आया क्या? मांस, बोलो सही है। हमने ये कहा, अभी सब पिक्चर क्लियर होगी, 10 किलो सेब था, 2 किलो सेब किसी और को दे दिए, कितना खल ले गए? 8 किलो। ये तो सर मांस था। सर ये भी क्या था? मांस था। और सर आया भी क्या? मांस। तो मांस में मांस घटाया तो आया क्या? मांस। क्या कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है? सर इससे हमें ये पता चल रहा है, पता है, अगर सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी अगर ऐड होती है तो आती भी कैसी क्वांटिटी? इससे। और सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी घटती भी तो कैसी आती? सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है कि अगर सेम डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब कोई क्वांटिटी है उसका डायमेंशन डी है, तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, और दोनों अगर जुड़ेंगे तो आएगा वही क्वांटिटी। जैसे आप देख सकते हैं कि मास में मास जुड़ा तो आया क्या? मास। मास में मास घटा तो आया क्या? मास। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, 10 मीटर कपड़ा खरीदे और 2 मीटर कपड़ा और खरीद लिए, तो कितना मीटर कपड़ा हुआ? 12 मीटर। ये क्या है? ये लेंथ है। ये क्या है? ये लेंथ है। और आंसर में भी क्या आया? लेंथ। तो इससे ये कॉन्सेप्ट बना कि अगर लेंथ में लेंथ जुड़ेगा तो आएगा क्या? लेंथ। मास में मास जुड़ेगा तो आएगा क्या? मास। अगर मैं आपसे ये कहूं 10 केजी, 2 मीटर, 2 आर, बताओ क्या होगा आंसर? है कोई जुगाड़? क्या दिख रहा है? ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक अलग क्वांटिटी है, ये एक अलग क्वांटिटी है। तो अलग क्वांटिटी कभी भी एड ऑन नहीं हो सकती। तो इससे हमें एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी है उसमें सेम क्वांटिटी ही एड ऑन हो सकती है। कुल मिला के ये समझ लो कि सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन जुड़ेगा तो वही डायमेंशन आएगा, और घटेगा भी तो वही डायमेंशन आएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी? यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी पे हम टॉप 11 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और बहुत मजा आएगा बच्चों। समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या बोलोगे? सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन जुड़ेगा और आएगा भी क्या? डायमेंशन। सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन घटेगा और आएगा भी क्या? सेम डायमेंशन। बोलो सही है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक बच्चों, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। कभी कदार होता क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हो जाते हैं वो एड ऑन नहीं होंगे। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी आप अगर ले लो, जैसे मान लो आप एनर्जी ले लो, ठीक, आप एनर्जी ले लो, mL²T-2 होता है। दूसरे तरफ आप टॉर्क ले लो, क्या ये एड ऑन हो सकते हैं? नहीं एड ऑन हो सकते, क्योंकि ये क्वांटिटी ही अलग है। तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो सेम क्वांटिटी, मास है तो मास जुड़ेगा तो आएगा मास, लेंथ है तो लेंथ जुड़ेगा आएगा लेंथ, टाइम है तो टाइम जुड़ेगा आएगा क्या? टाइम। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी जुड़ेगा तो आएगा क्या? वेलोसिटी, ठीक। और फोर्स है तो फोर्स जुड़ेगा तो आएगा क्या? फोर्स। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जुड़ेगा तो आएगा क्या? एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन करें, चलो देखो, आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बच्चों लेते, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। एक्स इज इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सीटी क्यूब, मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, और यहां पे बोला क्या है, एक्स एक पोजीशन है, एक्स क्या है, एक पोजीशन है, और
टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, और ए बी और सी का डायमेंशन आपको बताना है, बिल्कुल बेसिक से। आपको क्वेश्चन बकायदा लिख के आएगा कि हाँ एक्स से एक पोजीशन है ए बी सी, उसमें एक कांस्टेंट है, ठीक, टी टाइम है, तो ए बी सी का डायमेंशन बताइए। कुल मिला के समझो बहुत बेसिक से, बच्चों ये क्या है, ये सर एक पोजीशन है, पोजीशन का डायमेंशन क्या होगा, तो सर एल होगा। पोजीशन इज, देखो ये पोजीशन है, पोजीशन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या है, पोजीशन इज इक्वल टू क्या आ सकता है, सर पोजीशन ही आएगा और क्या आएगा, ठीक, तो क्या बोलोगे, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, एल। ये पोजीशन है, पोजीशन है, उसमें जुड़ेगा क्या, पोजीशन ही जुड़ेगी, बोलो सही है, तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। ये क्या है, पोजीशन है, पोजीशन में जुड़ेगा क्या, पोजीशन, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। देख लीजिए सारे सेम डायमेंशन और क्या दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से। अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए तो अब क्या दिख रहा है, ए टी इज इक्वल टू एल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, तो अगर हमें ए का डायमेंशन निकालना है तो ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो गया, तो ए का डायमेंशन आया। अब आगे बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एल, ये टी नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये किसका डायमेंशन आ गया, बी। क्या लिखा है, सी टी क्यूब, इसका भी डायमेंशन एल होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सी का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस थ्री। देखिए फटाक से आया, आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिएगा, समझ गए कि नहीं, चलो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब हम बच्चों अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट बोला क्या है, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा, ये दिया है। क्या बोला, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा। यहां पे बोला क्या है, v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक, टी क्या है, टाइम है, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बच्चों, और आपसे पूछेगा अल्फा बीटा गामा का डायमेंशन बताओ। क्या पूछा, अल्फा बीटा गामा का डायमेंशन बताओ, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, कितना फोकस्ड होके करेंगे, देखो सर ये क्या है, ये टाइम है बच्चों, अभी तो टाइम में जुड़ेगा क्या, टाइम, तो इसमें जुड़ेगा क्या, टाइम, तो इसका मतलब गामा तो देख के बोल दिए कि गामा का डायमेंशन टी होगा, क्या बात है सर, ठीक। अब आगे चलते, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, बोलो सही, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी, इसका मतलब ये भी कितना होगा, एल टी माइनस वन, बोलो होगा कि नहीं। अब वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी में जुड़ेगा क्या, वेलोसिटी, तो इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस वन, बोलो हो गया। अब बारी बारी से सॉल्व करो, अल्फा टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एल टी माइनस टू, आ गया आसानी से। अब आगे चलते हैं, देखो बीटा अपॉन टी, गामा का डायमेंशन भी देखो टी आ गया है, बोलो सही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन, ठीक, ये t प्लस टी टू टी, नो डायमेंशन बढ़ना है, t प्लस टी डायमेंशन में डायमेंशन ऐड होगा तो डायमेंशन आएगा, तो कितना हो गया t, बोलो हुआ, और इधर कितना एल टी माइनस वन, ये t ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, एल टी माइनस वन इंटू टी, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा कितना आ जाएगा, l, बोलिए आसानी से। तो आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा और गामा तीनों चीज आपके पास झटाक से फटाक से जैसे कहो वैसे आ गई, ठीक, लिख डालो, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा है p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू rt। ये बहुत बहुत ओल्ड डेटेड क्वेश्चन है, मगर देखना है, समझना है, हमें सीखना है, हमें क्वेश्चन करना है, कब आया है, किसमें आया है, ये सारे एग्जाम जितने आप सोच सकते हो ना, जितने सोच सकते हो सब में पूछा गया क्वेश्चन, जान लो, शुरू करो आईआईटी, शुरू करो सबसे नीचे लेवल तक के एग्जाम में पूछा गया सब, इतनी मर्तबाई क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो P यहां क्या है, प्रेशर है, P यहां क्या है, प्रेशर है, V यहां क्या है, वॉल्यूम है, V यहां क्या है, वॉल्यूम, ये आपको क्वेश्चन में बताएगा, ठीक, और बाकी ये गैस कॉन्स्टेंट और ये टेम्परेचर, ये वॉन्डर वॉल इक्वेजन है शायद, है कि नहीं है, ठीक। अब चलो पी प्रेशर, अब प्रेशर का डायमेंशन हमें पता हो तो हम कर डालेंगे, ठीक, क्या होता है ml t माइनस टू और नीचे एरिया होता है l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू, नहीं पता तो दो मिनट पेन चला लो साइड में, ज्यादा सही है, ठीक। अब आओ शुरू करते हैं, अब देखो ये क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर है ना,
तो प्रेशर में इतनी चीज जुड़े तो वो कुछ और नहीं होगा, वो भी प्रेशर होगा। बोलो ना, ये प्रेशर है तो प्रेशर में जुड़ क्या सकता भैया, प्रेशर ही जुड़ेगा। तो इसका मतलब a अपॉन v स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर होगा, तो उसका डायमेंशन भी ml माइनस वन t माइनस टू होगा। बोलो सही। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब, पावर लगा है 2। बोलो सही है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, 3 × 2 = 6 और ये एल की पावर 6 ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन एल 6 टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा L की पावर 5 T माइनस 2। देखिए दौड़ते कूदते A का डायमेंशन आ गया। ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में घट क्या सकता है यार, सेम चीज में सेम, तो इसका मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम ही घटेगा, तो B का डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन। इसका मतलब क्या आंसर होगा, एल क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, कितनी आसानी से आपने सीख लिया। बोलो आसान है ना, ठीक, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन, y is equal to a sin omega x upon v minus k, ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का इक्वेशन, देखो कैसे, और उसमें बताया क्या, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक, और x क्या है, वो एक मान लीजिए पोजीशन है बता रहा है, या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही है, मतलब और क्या, और क्या क्या हो सकती, और k का डायमेंशन बताना है, सारी चीज डिफाइन कर दिया है। देख लो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, x पोजीशन है, तो k का डायमेंशन, देख भाई सीधा सा फंडा, सीधा सा फंडा, देख कैसे करेंगे, x बाई v है, मान लो इसका डायमेंशन d आया, कितना आया d, तो उसमें घटने वाली चीज क्या होगी सर, वो भी सर वही होगी। इसका मतलब जो डायमेंशन x बाई वी का होगा वही डायमेंशन सर k का होगा। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे यार सेम चीज में सेम ही चीज तो घटेगी, क्या दूसरी घटेगी, x बाई वी में घटेगा क्या, x बाई वी ही टाइप का कोई चीज होगा, कोई चीज क्या वही होगा। अब चलो x बाई वी लिखा है, इसका डायमेंशन क्या है, l, वेलोसिटी डायमेंशन होता है LT माइनस वन, कैंसिल हुआ, ये T आएगा, बोलो सही है कि नहीं, तो X by V का डायमेंशन कितना हुआ, T, तो इसका डायमेंशन क्या, कुछ और होगा, नहीं सर वही होगा, आंसर फटाक से, ये क्या है, आंसर, सर ये क्या था, ऐसे ही है, लिख डालो, आगे समझ में, नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Y is equal to A cos ओमेगा T माइनस के एक्स, ठीक, अब यहां k का डायमेंशन बताना है, ओमेगा क्या है, वही एंगुलर वेलोसिटी, टाइम t है, x पोजीशन है, आपको k का डायमेंशन कैसे बताएंगे, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, बात पल्ले पड़ी, हां सर, तो ओमेगा t का डायमेंशन क्या होगा, ओमेगा होता है 2π/T, बोलो होता है, और ये t लिखा है, t से t कट गया, तो ओमेगा t का कौनो डायमेंशन नहीं, मतलब 1, तो इसका मतलब kx का भी कोई डायमेंशन नहीं, यानी कि 1, तो k का डायमेंशन आएगा 1/x, x का डायमेंशन होता है l, तो ये हो गया l इनवर्स, और यही आपका आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, नोट, ठीक, अब आगे चलते हैं, और अब पावर का क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट पावर का क्वेश्चन लिखा हो, y is equal to a e की पावर अल्फा x, ये लिखा है, अब हमें बताना है कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, और x मान लीजिए एक पोजीशन है, ठीक, किसका डायमेंशन बताना है, अल्फा का, ये पावर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, अब देखो बुद्धि दौड़ो, पावर का कोई डायमेंशन होता है क्या, जैसे मान लो लिखा है 3, पावर का कोई डायमेंशन यूनिट होता है, कभी ऐसा सुना है, जैसे मान लो लिखा है x की पावर 5 मीटर, सर y की पावर 2 किलो, ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर k, ये 2, 3, k, ये क्या है, एक न्यूमेरिक है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब सर ये पावर है, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब 1 हो गया, तो अल्फा का डायमेंशन सर क्या होगा, 1/x,
तो ये कितना आ गया एल, तो इसको बोलेंगे क्या एल इनवर्स। आ गया आसानी से, कुछ रखा नहीं रखा सर, आ गया बस। लिख लो करते हैं अगला, एस इज इक्वल टू ए वन माइनस ए की पावर बी एक्स टी, ऐसा लिखा है, ये लिखा है, या माइनस बी एक्स टी ऐसा लिखा है। ठीक, अब हमको b का डायमेंशन बताना है। x जान ही रहे हो डायमेंशन होगा l, t जान ही रहे हो डायमेंशन होगा t, b का डायमेंशन बताना है। e एक एक्सपोनेंशियल e बोलते हैं, अब बताओ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? ये पावर है, ये पावर है सर, पावर का कोनो डायमेंशन नहीं होता सर, तो b का डायमेंशन हो गया सर। ठीक, x के डायमेंशन को l बोलते हैं, इसको t बोलते हैं, ये l इनवर्स हो गया, ये t इनवर्स हो गया, और ये सर मेरा आंसर। क्या बात, सब में सर आंसर है कि नहीं, मजा आ रहा है बच्चों? कुछ है नहीं फिजिक्स में, जान लो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे सफर से चलेंगे और बहुत मस्ताने सफर से चलेंगे। नोट कर ली, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल्फा, ठीक, वन माइनस माइनस एल्फा टी, ठीक, ये दिया है। और बच्चों वी नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक, और क्वेश्चन में बोला है कि एल्फा एक ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन इतना लिखा होता है। ठीक, और टी यहां पे क्या है, टाइम है। ठीक, तो आपको वी नॉट और एल्फा का डायमेंशन बताना है, और एक्स जान ही रहे, एक्स क्या है, एक पोजिशन है, एक्स क्या है, पोजीशन। करा जाए, करें। अब हमको किसका डायमेंशन चाहिए, हमको इसका भी डायमेंशन, इसका भी चाहिए। अब देखो बच्चों बेसिक समझो, बेसिक पहले इधर से सुनो, ये सर पावर है, सर पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा टी इनवर्स, पहला आंसर हो गया सर। सर ये एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, एक्स होगा, हाँ सर, x इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब x का डायमेंशन l होता है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, l, तो v नॉट बाई एल्फा का डायमेंशन भी होगा l, बोलो होगा। अब एल्फा का डायमेंशन कितना है, t इनवर्स है, और ये कितना है, l है, बोलो सही, ये ऊपर जाएगा, तो v नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, l t इनवर्स, देखिए आ गया कि नहीं, तो V0 का डायमेंशन भी आपको मिल गया और अल्फा का डायमेंशन भी आपको मिल गया। नेक्स्ट लिखा है U इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, ऐसा लिखा है। ठीक, ये लिखा है। U क्या है, एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी मान लो, और X क्या है, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए पोजीशन है, ठीक, पोजीशन ही है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, बोलो सही। तुम्हें ए और बी का डायमेंशन बताना है, ये है ए और बी का डायमेंशन बताना है, जरा करो। ठीक, चलो चलो, ये बच्चा एक्स स्क्वायर है। अब देखो, अब सुनो, इसका डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, तो इसका क्या कुछ और होगा, नो सर, सेम चीज में सेम चीज जुड़ेगी, आप ही ने बताया है, तो b का डायमेंशन क्या हो गया, l स्क्वायर, बात पल्ले पड़ी। ये क्या है, एनर्जी, तो इसका डायमेंशन होगा ml स्क्वायर t माइनस 2, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, अरे एनर्जी ही होगी, तो क्या होगा, a, इसका डायमेंशन हुआ l पावर 1/2, इसका डायमेंशन हुआ l स्क्वायर, इसका डायमेंशन हुआ एल स्क्वायर, बोलो हुआ। ठीक, ये लिखा ए एल 1/2, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जुड़ेगा तो एल स्क्वायर। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा एल की पावर 1/2, एल की पावर माइनस 2, अब बताओ कितना हुआ, अगर हम 1/2 माइनस 1/2 करें तो, अरे यार, तो 2 2 जा 4, और घटेगा तो माइनस 3/2, माइनस 3/2, बोलो सही है कि नहीं, देख लो, हाँ 2 2 जा 4, हाँ माइनस 3/2। ठीक, तो ये लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक, और लिखा है ए एल माइनस 3/2, अब ये माइनस 3/2 डिवाइड में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो कितना होगा एम एल स्क्वायर एल की पावर 3/2 टी की पावर माइनस 2, बच्चों देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, यहाँ पावर जुड़ जाएगी 2 2 जा 4, 2 में 3/2 जोड़ो, 2
टू टू जा फोर, फोर और थ्री फाइव, फाइव बाई टू हो जाएगा, तो ये हो गया एल फाइव बाई टू टी माइनस टू, और ये ए का डायमेंशन, ये ए का डायमेंशन और ये बी का डायमेंशन। कितनी आसानी से आया, आया ना, कितना आसानी से आया, नोट कर लो। नेक्स्ट, अगला P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ये लिखा है, क्या लिखा है, P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। P क्या है, P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर, ठीक, T क्या है, T क्या है, टाइम है, X क्या है, पोजीशन है, X क्या है, पोजीशन है, A और B का डायमेंशन बताना, ठीक, सारा कुछ मैंने, देखो मैं बहुत ज्यादा रिफाइन लिख दिया, ठीक, मैं बहुत रिफाइन लिख दिया कि ये चीज दिया, ये चीज बताओ। अब क्या है, प्रेशर है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक। अब देखो ए, अब सोच के देखो, अगर ये टी स्क्वायर है बच्चों, तो इसमें घटने वाली चीज कुछ और नहीं होगी, वही होगी, तो इसका मतलब ए का डायमेंशन कुछ और नहीं होगा, टी स्क्वायर ही होगा। तो हम क्या करें, यहां पे लिख ले टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, और नीचे कितना बी, और ये हुआ एल। बोलो सर, टी स्क्वायर में टी स्क्वायर घटेगा जीरो? नो, डायमेंशन पढ़ रहे हो, डायमेंशन में डायमेंशन घटता है तो डायमेंशन आता है, तो ये हुआ एम एल माइनस वन टी माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन बी एल। बोलो हुआ, ए का डायमेंशन तो आगे, बी कैसे आएगा, बी को इधर कर दो, ठीक। अब टी स्क्वायर नीचे आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एल, एल से एल कटेगा, ठीक, एम ऊपर आएगा एम माइनस वन टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पावर फोर हो जाएगा, देख लो एक बार, एल से एल कट गया, एम ऊपर एम माइनस वन टी माइनस टू ऊपर जाएगा टी पावर फोर, तो देखिए बी का डायमेंशन आ गया, और वो किसका डायमेंशन, ए का, ठीक, देख लो ए का डायमेंशन भी टी स्क्वायर, क्योंकि सेम में सेम घटेगा, ठीक, ये एल होता है, प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बिल्कुल सही, आ गया समझ में, नोट कर लो।